हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2017 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है प्रिस्ट डैडी। प्रिस्ट डैडी अमेरिकी कवि पेट्रिसिया लॉकवुड का एक संस्मरण है। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू द्वारा 2017 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक नामित किया गया था और इस पुस्तक को रिवर हेड बुक पब्लिकेशन द्वारा 2017 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 352 पेज है। इस पुस्तक को अमेरिकी हास्य के लिए 2018 थर्बर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अपनी सूची में द 50 बेस्ट मेमोयर्स ऑफ द पास्ट 50 ईयर्स और द गार्जियन ने इसे 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक का नाम दिया था। फादर ग्रेग लॉकवुड किसी भी कैथोलिक पादरी से अलग है जिनसे आप कभी मिले हैं। प्रिस्ट डैडी में लॉकवुड ने अपने पालन पोषण को एक विवाहित लुथरन मंत्री की बेटी के रूप में वर्णित किया जो कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हो गया, कुछ विवाहित कैथोलिक पादरियों में से एक बन गया। ये पुस्तक एक व्यस्क के रूप में उसके पिता के रेक्टोरी में रहने के लिए उसकी वापसी का वर्णन करती है और परिवार, विश्वास, अपनेपन और एडल्ट्री के मुद्दों से संबंधित है। नंबर दो पर है द हेट यू गिव। द हेट यू गिव एनजी थॉम्स का 2017 का यंग एडल्ट उपन्यास है जिसे बोल्जर ब्रे द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 444 पेज है। ये थॉमस का पहला उपन्यास है जो ऑस्कर ग्रैंट की पुलिस शूटिंग की प्रतिक्रिया में कॉलेज में लिखी गई एक छोटी कहानी से विस्तारित है। ये पुस्तक स्टार कार्टर द्वारा सुनाई गई है जो एक गरीब पड़ोस की 16 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की है जो शहर के मुख्य रूप से सफ़ेद समृद्ध हिस्से में कुलीन निजी स्कूल में पढ़ती है। एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा अपने बचपन के दोस्त खलील को गोली मारते और मरते हुए देखने के बाद स्टार कार्टर एक राष्ट्रीय समाचार में उलझ जाती है। वह तेजी से सार्वजनिक तरीके से शूटिंग के बारे में बोलती है और सामाजिक तनाव एक दंगे में परिणत होता है जब एक भव्य जूरी ने शूटिंग के लिए पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराने का फैसला लिया था। नंबर तीन पर है सिंह अनबरिड सिंह। सिंह अनबरिड सिंह अमेरिकी लेखक जैस्मिन वार्ड का तीसरा उपन्यास है जिसे सितंबर 2017 में स्क्रिप्नर द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 285 पेज है। ये काल्पनिक शहर बॉयस सोविच मिसिसिपी में एक परिवार पर केंद्रित है। उपन्यास को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप में नामित किया। उपन्यास जोजो के 13वें जन्मदिन पर शुरू होता है, एक आदमी के रूप में अपनी नई भूमिका में कदम रखने के लिए। जोजो अपने दादा पॉप को एक बकरी को मारने में मदद करने की कोशिश करता है। वह बीमार है लेकिन पॉप उससे निराश नहीं है जैसे कि उसे डर था। पॉप बकरी का उपयोग स्टू बनाने के लिए करता है और जब खाना पक रहा होता है वह जोजो को अपने परिवार के बारे में बताता है। पॉप जोजो को बताता है कि कैसे उसे 15 साल की उम्र में पार्शमैन जेल भेजा गया था। नंबर चार पर है लिटिल फायर्स एवरीवेयर। लिटिल फायर्स एवरीवेयर अमेरिकी लेखक सेलेस्टे एनजी का दूसरा उपन्यास है। ये पेंगुइन प्रेस द्वारा 2017 में इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 352 पेज हैं। अप्रैल 2020 में 3 हफ्तों के लिए लिटिल फायर्स एवरीवेयर द न्यूयॉर्क टाइम्स की फिक्शन बेस्ट सेलर सूची में नंबर एक पर था। 1998 में ओहियो के शेकर हाइट्स में रिचर्डसन के घर में आग लग गई। आगजनी का संदेह है क्योंकि कई जगह ऐसी छोटी छोटी आग थी। पिछले वर्ष 1997 में एलेना रिचर्डसन ने विंस्लो रोड पर अपना किराए का घर एक कलाकार मिया वॉरन और उसकी किशोर बेटी पर्ल को किराए पर दिया था। एलेना का छोटा बेटा मूडी जो पर्ल की उम्र का है पर्ल पर क्रश करता है और उसके साथ दोस्त बन जाता है। नंबर पाँच पर है व्हाट इट मीन्स व्हेन अ मैन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। नाइजीरियाई लेखक लेस्ली नेनेका अरिमाहा की लघु कहानियों का एक संग्रह है जिसे शुरू में रिवरहेड बुक्स और टिंडर प्रेस यूके द्वारा अप्रैल 2017 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। फिर नवंबर में फराफिना बुक्स द्वारा नाइजीरिया में 2017 में पुनर्प्रकाशित किया गया। इस किताब ने फिक्शन के लिए किरकस पुरस्कार जीता, फिक्शन के लिए मिनेसोटा बुक अवार्ड और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का यंग लायंस
फिक्शन अवार्ड जनवरी 2018 में जीता। इसे साहित्य के लिए 9 मोबाइल पुरस्कार के लिए चुना गया था। पुस्तक केंद्र एक क्रूर दुनिया के संपर्क में आने वाले महिला पात्र पर केंद्रित है, जो उन्हें फिट होने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है या उन्हें एहसास कराती है कि वे इसमें फिट नहीं हो सकते। नाइजीरियाई नागरिक और दोनों के मानवीय चित्र की पेशकश आपको इसमें पढ़ने को मिलती है। पहली पीढ़ी की युवा महिला अप्रवासी उनके खामियों, उनकी इच्छाओं, उनकी जीत और एक ऐसे देश में एक जगह बनाने के उनके प्रयासों का प्रदर्शन करती है, जिससे रीति रिवाज और मूल्य उनकी विरासत से बिल्कुल अलग होते हैं। नंबर 6 पर है टर्डल्स ऑल द वे डाउन। टर्डल्स ऑल द वे डाउन अमेरिकी लेखक जॉन ग्रीन द्वारा लिखित एक यंग एडल्ट उपन्यास है। उन्होंने इस उपन्यास को 10 अक्टूबर 2017 को डटन बुक्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया और इस पुस्तक में 286 पेज है। ये उनका 5वां एकल उपन्यास है और कुल मिलाकर उनका 7वां उपन्यास है। ग्रीन और उनके भाई हांक द्वारा सह स्थापित ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस 2017 के दौरान इसके प्रकाशन की घोषणा की गई थी। उनके 2012 के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के बाद यह उनका पहला प्रकाशित काम था। ये 10 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था और जल्द ही यंग एडल्ट हार्ड कवर बुक्स की श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर आ गया। ये 15 सप्ताह तक सूची में सबसे ऊपर रहा और 62 सप्ताह तक सूची में बना रहा। अजा होम्स इंडियाना पोलिस में रहने वाला एक 16 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र है जो OCD से जूझता है, जो अक्सर मानव माइक्रोबायोम के डर के रूप में प्रकट होता है। संक्रमण के बारे में लगातार चिंतित, विशेष रूप से CDF द्वारा, वह बार बार अपनी उंगली पर कभी कभी पूरी तरह से ठीक होने वाले कॉल्स को खोलती है ताकि वह जो रोगजनक मानती है उसे बाहर निकालने के प्रयास कर सके। पूरी किताब में अजा के साथ 2 करीबी दोस्त हैं, एक महत्वाकांक्षी कलाकार माइचल टर्नर और उसका सबसे अच्छा दोस्त डेजी रामिरेज, जो स्टार वॉर्स प्रशंसक कथा लिखता है। नंबर 7 पर है हर बॉडी एंड अदर पार्टीज। हर बॉडी एंड अदर पार्टीज ग्रेवॉल्फ प्रेस द्वारा प्रकाशित लेखक कार्मेन मारिया मचाडो द्वारा 2017 की लघु कहानी संग्रह है, जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक में 264 पेज है। इस बुक संग्रह ने शर्ली जैक्सन पुरस्कार जीता और फिक्शन के लिए ये राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए एक फाइनलिस्ट था। कहानी द हस्बैंड स्टिच को नेबुला पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ नॉवेलेट के लिए नामांकित किया गया था। हर बॉडी एंड अदर पार्टीज में कार्मेन मारिया मचाडो ने मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और विज्ञान कथा, कॉमेडी और हॉरर, फंतासी और फेबुलिज्म के बीच मनमानी सीमाओं को नष्ट कर दिया था, जबकि उनके काम ने उनकी तुलना करेन रसेल और केली लिंग से की है। उनके पास एक आवाज़ है जो उनकी अपनी है। इस इलेक्ट्रिक और उत्तेजक पदार्पण में मचाडो शैली को मोड़कर चौंकाने वाले आख्यानों को आकार देती है, जो महिलाओं के जीवन की वास्तविकताओं और उनके शरीर पर होने वाली हिंसा का मानचित्रण करते हैं। नंबर 8 पर है एग्जिट वेस्ट। एग्जिट वेस्ट पाकिस्तानी लेखक मोहसिन हामिद का 2017 का उपन्यास है, जिसे हामिश हैमिल्टन यूके रिवरहेड बुक्स US ने मार्च 2017 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 229 पेज है। यह हामिद का 4था उपन्यास है। उपन्यास के मुख्य विषय उत्प्रवास और शरणार्थी समस्याएं हैं। उपन्यास जिसे काल्पनिक या काल्पनिक कल्पना माना जा सकता है, एक युवा जोड़े सईद और नादिया के बारे में है, जो एक अज्ञात शहर में गृह युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं और अंत में उनको जादुई दरवाजों की एक प्रणाली का उपयोग करके भागना है और दुनिया भर में विभिन्न स्थानों के लिए नेतृत्व करना है। नादिया और सईद तब मिलते हैं जब वे एक अज्ञात शहर में कामकाजी छात्र होते हैं। सईद अधिक रूढ़िवादी है और अभी भी घर पर रहता है, जैसे कि आमतौर पर प्रथा की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक स्वतंत्र नादिया ने अकेले रहने का विकल्प चुना है और ऐसा करने के लिए उसके माता पिता ने उसे स्वीकार कर दिया है। नंबर 9 पर है मैनहट्टन बीच। मैनहट्टन बीच अमेरिकी लेखक जेनिफर एगन का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसे 2017 में स्क्रिप्टनेर द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस बुक में 438 पेज हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन ने फिक्शन श्रेणी में अपने 2017 नेशनल बुक अवार्ड लॉन्ग लिस्ट में पुस्तक को सूचीबद्ध किया। टाइम पत्रिका ने इसे 2017 के अपने शीर्ष 10 उपन्यासों में से एक के रूप में चुना। अन्ना कैरिगन और उनके पिता एडी 1934 के अंत में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन बीच के किनारे पर स्टाइल्स हवेली में गैंगस्टर डेक्स्टर स्टाइल्स से मिलते हैं। एडी एक पूर्व वाडविल कलाकार है, जिसने रोरिंग 20s के दौरान एक स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए स्विच किया, फिर ग्रेट डिप्रेशन में बर्बाद हो गया।
अब वह अपराधी अंडरवर्ल्ड में एक बैगमैन के रूप में बहुत कम पैसा कमाता है और वह स्टाइल्स को बताता है कि उसे अपनी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त और लकवाग्रस्त बेटी लिडा अन्ना की छोटी बहन के लिए व्हीलचेयर के भुगतान के लिए पैसे की जरूरत है। नंबर 10 पर है लिंकन इन द बार्डो, अमेरिकी लेखक जॉर्ज सॉन्डर्स का 2017 का एक प्रयोगात्मक उपन्यास है जिसे रैंडम हाउस ने अंग्रेजी भाषा में फरवरी 2017 को प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 368 पेज है। ये सॉन्डर्स का पहला पूर्ण लंबाई वाला उपन्यास है और ये नॉवल 5 मार्च 2017 के सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स हार्ड कवर फिक्शन बेस्ट सेलर था। सॉन्डर्स को उनकी लघु कथाओं, रिपोर्टिंग और सामयिक निबंधों के लिए बेहतर जाना जाता है। वास्तविक और आविष्कृत ऐतिहासिक स्रोतों के उपयोग के माध्यम से उपन्यास विली की मृत्यु की कहानी से संबंधित है। डॉक्टर का मानना था कि विली केवल सर्दी से बीमार था और जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस प्रकार अब्राहम लिंकन और मैरी टोड लिंकन ने राज्य के रात्रि भोज के साथ आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। व्हाइट हाउस में उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनयिकों, राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों का मनोरंजन किया जबकि विली अपने बिस्तर पर बीमार पड़े थे। इस रात के कुछ समय बाद विली की मृत्यु हो गई क्योंकि ये पता चला कि वह टाइफाइड बुखार से बीमार था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।